जिहड़ी क्वालिफिकेशन है 12th क्लास है उहदे विच 50% मार्क्स ने तां तुसीं कैनेडा जा सकदे हो। जिहड़े बच्चों के एक या दो या तीन मड्यूल दे विच 5.5 बैंड सी उन्हां सारिआं दे वीज़े लगे है। अगर तुसीं कैनेडा जाना चाहते हो तो इस तो सुनहरी मौका तुहानूं कदी नहीं मिलेगा। पर यह सुनहरी तो बाकी इमीग्रेशन वाले को भी होगी, पर थोड़े हाथ है जी कि गिदड़ संघी लग गई कि तुम जो इतने 75 वीज़े दो हफ्ते ठोके। देखो वीज़ा मैं नहीं देना, वीज़ा वीज़ा ऑफिसर ने देना। हाँ, पर जी कैनेडा की जी रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल होनी चाहिए है, तो अगर वो थोड़ी जी रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो डेफिनेटली तुम्हें कैनेडा वीज़ा देगा। अगर कैनेडा के रूल चेंज हुए है, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज बच्चे एक्सैप्ट कर रही है ता करके असं एम्बैसी वीज़ा पा रहे हैं। पूरा पंजाब सद रहे हैं कि आ जाओ, जे तुसी स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो तो ओवरऑल 6 नॉट लैस दैन 5.5 है तो तुम कैनेडा जा सकते हो। कोई पुराने बच्चे ने गए उन्हां दी रिफ्यूजल आई हुई है कि तुसी उन्हां दे वीज़े लगवा सकते हो या फिर जो 4 बार रिफ्यूजल वाला बच्चा मेरे को आया तो उस मैं 2 क्वेश्चन पुट किए थे कि प्रोग्राम है तेरा ते किस प्रोग्राम तेने जाना सी, मैनूं पिछले ऑफर लैटर दिखा दे। ते अज वो लड़की कैनेडा है, उहदा वीज़ा आ गया होया है, ठीक है। उन्हें मेरे को आके कीता कि सर मैं कैनेडा स्टडी लई जाना है, ते मेरा घट्टो घट नहीं तो 8 to 9 साल का गैप है। 8 to 9 साल का गैप है। वह किसी कंसल्टेंट के कोल गई तो उन कंसल्टेंट जाके कह रही है कि सर मैं इदा का वीज़ा लवाना, तो उन्हें उस तो 40 लाख की डिमांड की। तो जो मेरे को आई तो मैंने कहती कि सर कि इदा का करके मैं बैंड भी लिते हुए तो मैं इदा का कैनेडा जाना चाहनी है, तो तुम दसो फीस की नहीं है। मैं कहा सिर्फ कॉलेज की फीस, कहती थोड़ी फीस। मैं कहा मेरी कोई फीस नहीं हैगी। कहती तुम कॉलेज की फीस, मैं मैंने कॉलेज की फीस भी इदा करो तुम आफ्टर वीज़ा दे। जो बच्चे का वीज़ा ग्रांट होएगा उस तो बाद असं उस तो कॉलेज की फीस लै रहे। कॉलेज की फीस भी उस बाद? हाँ जी, कॉलेज की फीस कोई भी फीस असं कोई नहीं लै रहे। जिहड़ी कॉलेज की फीस भी है वह मैं चाहे मैं खुद भर रहा, पर जिहड़ी तुहाडे तो मैं लूँगा वह वीज़ा लगन तो बाद। दोस्तों तुसीं रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे हो तो मैं शैशव नागरा तुहाडे सारिआं दा स्वागत करदा। अज दे समें दे विच बाहर जाण दा सुपना हर कोई वेखदा है, पर जदों बाहर जाण दी गल आउंदी है तां दिमाग दे विच इह सवाल खड़े होण लग जांदे ने कि बाहर जाण दे लई किहड़े इमीग्रेशन कोले जाइए, किहदे कोले जाइए जिथे साडे नाल ठगी ठोरी ना होवे ते असीं सही तरीके दे नाल घट पैसिआं दे विच बाहर चले जाइए। पर इस तों इलावा अजकल इस इमीग्रेशन इंडस्ट्री दे विच या जिहड़े बाहर जाण वाले लोग ने उहनां दे मनां दे विच इक गल चल रही है, उह इह है कि बॉस इमीग्रेशन स्टडीज़ दे 2 हफ्तों के 75 तो ज़्यादा जिहड़े वीज़े ने वो किवें लगवा दिते ने, ये जानने के लिए अज असी जलंधर पहुँचे हाँ बॉस इमीग्रेशन जिहड़ा उहनां दे ऑफिस दे विच। ते मिस्टर हरिंदर कुमार मेरे नाल मौजूद ने। बड़ा औखा तुसीं टाइम दिता, पहलां तां कदे कैनेडा कदे आस्ट्रेलिया घूमी जा रहे हो, तो सानूं कदों दी अपनी ये चीज़ चल रही सी कि इंटरव्यू प्लैन कर लिए, पर बड़ा औखा समां दिता, धन्यवाद तुहाडा। पहले तुहानूं सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। तो जिहड़ी तुसीं गल कह रहे हो कि हाँ जिहड़े साडे 2 हफ्तों के जिहड़े 75 तो ज़्यादा जिहड़े वीज़े आए हैं वह बेसिकली जिहड़ी प्रोफाइलां सीगियां, जां मैं ये गल कहना चाहवां कि जिहड़ा इस टाइम कैनेडा का सनैरियो है वह बहुत ज़्यादा ही लीनिएंट है। अगर मैं बाकी कंट्री की गल करा कि उत्थे कुछ ना कुछ एक रिक्वायरमेंट होंदी है कि हाँ इन्ने बैंड चाहिए है, इन्नी परसेंटेज चाहिए है, पर जिहड़ा कैनेडा का जिहड़ा अज दा सनैरियो हैगा उस विच अगर तुहाडे ओवरऑल 6 नॉट लैस दैन 5.5 और पीटी दे विच अगर तुहाडे 60 है नॉट लैस दैन 55 ते अगर तुहाडे जिहड़ी क्वालिफिकेशन है 12th क्लास है उहदे विच 50% मार्क्स ने तां तुसीं कैनेडा जा सकते हो। ते जिहड़ा इह इलीनेट कीता गया क्योंकि अज तो 4-5 महीने पहले की सीगा कि अगर तुसीं कैनेडा जाना चाहते हो तो तुहाडे आईलैट्स दे विच ईच मॉड्यूल 6 चाहिए सीगे, लेकिन पिछले 2 महीनों तो जिहड़ा इह रूल चेंज होया है जिहदे विच बच्चों नूं बहुत सारी रिलैक्सेशन मिली है कि जिहड़े बच्चों के 1 या 2 या 3 मॉड्यूल दे विच 5.5 बैंड सी उन्हां सारिआं दे वीज़े लगे है। अगर मैं गल करा कि जिहड़ियां असीं इस टाइम 150 तो भी ज़्यादा जिहड़ी फाइलां हैगियां वह असीं एम्बैसी दे विच पुट ऑन कीतियां होईआं है, बट अगर मैं 2 हफ्ते तक की गल करा जिहड़ी साडी सक्सैस रेशो आई है जिदे करके अज आपां एक दूसरे नाल मिलदे पए हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जो ओरी कितें सक्सैस होवे वो हर बंदे नाल शेयर करे कि ताकि जिहड़ी इनफॉर्मेशन वो तुहाडे तक पहुँच सके। बट जिहड़ा कैनेडा दा सनैरियो अज बहुत ईजी है, अगर तुसीं कैनेडा जाना चाहते हो तो इस तो सनैरी मौका तुहानूं कदी नहीं मिलेगा। अच्छा तुसीं सनैरियो की गल कर रहे हो, पर यह सनैरियो तो बाकी इमीग्रेशन वाले को भी होगी, पर तुहाडे हाथ है जी कि गिदड़ संघी लग गई कि तुसीं जिहड़ा इतने 75 वीज़े 2 हफ्ते ठोके। देखो सब तो पहली गल ये है कि मैं अगर गल करा बहुत सारा जी मार्केटिंग स्टंट है, जां मैं गल करा कि
कि तुसी टीवी चैट दोगे जां तुसी बोर्ड लगाओगे तो तुहाडे तां आणगे, बट जिहड़ा मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है जिहड़ा जिहदे विच साडी माउथ टू माउथ मार्केटिंग चलती है, अगर अज मैं किसी घर दे विचों एक जी नूं भेजां तो वह 4G नाल मेरे को लैके आता है, ठीक है। तो यह एक गुडविल है कि यह मेरी एक इदा की एक्सपीरियंस रहा कि जिहदे विच असीं लोगों के काम करा के दिते हैं। अगर अज की डेट के अगर मैं किसी का वीजा लगवाया है तो वो नाल चार दोस्त होर लैके आता है कि सर मैं इन्होंने भी लगाना, तो वो जी सारिया चीज़ा है समझ लो कि उस उपर वाले तो हथ है कि तुम जे जे क्लाइंट्स ने तो ऑफिस के डोर टू डोर आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक थोड़े बारे शायद तुम भी वैसे तो सुनी होगी क्योंकि लंबा समा हो गया इस इंडस्ट्री के, पर दो तीन थोड़े क्लाइंट बार बैठे से या तो स्टाफ के नाल जो भी वो बारे दसते हैं या थोड़े बारे गल हुई मैं जानने की कोशिश की क्योंकि पहली बार मिल रहे थे, बिल्कुल तो वो कहें कि मैं अपनी गल की कि मैं अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहता, तो वो कहते थोड़े स्टाफ भी कहें जो बार से कहें कि जे हरिंदर सर उन्होंने डिस्कस कर लो, जो उन्होंने कहता कि थोड़ा वीज़ा लग जू या थोड़ी फाइल उन्होंने पुटअप कर ली तो यह समझो कि तुम्हें वीज़ा मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुम जे केस उन्होंने हाथ पाते हो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मतलब ये दम हैगा या फिर जिन्होंने हाथ पा लिया वो लगवा के छोड़ दो। देखो एक चीज़ की होंगी है कि सब तो पहले जो कोई क्लाइंट मेरे को आता है सब तो पहले वह जो प्रोफाइल वो देखी जाती है, चाहे वह स्टडी है तो चाहे वह टूरिस्ट है। अगर मैं लगता है कि जोड़ा 99% जी प्रोफाइल है कैनेडा लिए एलिजिबल है, देखो वीज़ा मैं नहीं देना, वीज़ा वीज़ा ऑफिसर ने देना, हाँ पर जी कैनेडा की जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए है, तो अगर वो थोड़ी जी रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो डेफिनेटली तुम्हें कैनेडा वीज़ा देगा। जिदा कि अज तो 3 महीने पहले अगर किसी बच्चे दे 2 या 3 मॉड्यूल 5.5 बैठ से मैं फाइल नहीं फड़ रहा है, अगर कैनेडा के रूल चेंज हुए है अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज बच्चे एक्सैप्ट कर रही है ता करके असं एम्बैसी वीज़ा पा रहे हैं। तो जोड़ा यह सुनहरी मौका है, अगर मैं कहना हर कंट्री बहुत टाइम बाद एक इदा सुनहरी मौका लेके आते जिद पूरा पंजाब सद रहा है कि आ जाओ जे तुम स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो तो ओवरऑल 6 नोट लैस दैन 5.5 है तो तुम कैनेडा जा सकते। अच्छा जी, अज तक तो मैं थोड़े रिकॉर्ड की गल करा तो सारा डाटा बेस होना हूँ तक किन्ने लोगों बाहर भेज चुके हो स्टडी करने के लिए या जिमें भी वक् वक् तरीकों के चाहे वह वर्क परमिट हो किसी भी तरीके कोई रफ जहा आइडिया है कि 1,000 500 2,000। देखो सब तो पहले तो मैं तुम्हें एक क्लीयर कराँगा कि असी सिर्फ ओनली स्टडी वीज़ा तो विजिटर वीज़ा डील करते हैं। अच्छा, तो असी PR डील करते हैं, असी वर्क परमिट वगैरह च नहीं डील करते। अच्छा, तो अगर मैं पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस की गल करा तो इस टाइम काउंट करना मुश्किल होगा, तो बहुत सारे इदा के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल जो कैनेडा जा चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं या UK जा चुके हैं USA जा चुके हैं, तो इस टाइम काउंटेबल करना मुश्किल है कि हाँ किन्ने स्टूडेंट्स मैं भेजते, यह तो मैं उदो पता लगता हूँ जो मैं पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया सीगा तो मैं एक अपना विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से मेलबोर्न के, मैं उत्थे जो विजिट किया तो जो मैं एंटर किया मैंने नहीं पता से मेरे किन्ने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं, बिकॉज मेरी काउंसलर या मेरे फाइलिंग डिपार्टमेंट वो डील करते हैं। तो जो मैं उत्थे उन्होंने टीचर्स के नाल मिले जाके तो मेरी उत्थे एक छोटा जा विजिट सीगा यूनिवर्सिटी कैंपस टूर कहते जिद मैं विजिट करके इंडियन स्टूडेंट्स को इनफॉर्मेशन देनी सी, तो जो मैं मिले मैंने बहुत सारे इदा स्टूडेंट्स मिले कि जोड़े मेरे कंपनी थ्रू उत्थे पहुँचे थे, तो दैट टाइम तुहानू भी पता होएगा कि जो इदा की कोई अचीवमेंट होंगी है तुहाडे थ्रू किसी का भविख बनया हो तो खुशी मजा ही कुछ हो। मैं उही तुहानू पुछ रहा कि जो फिर बाहर देश कदे कैनेडा कदे ऑस्ट्रेलिया ही रहने हो तो फिर जो भेजे हुए बच्चे ने हाथ से चक लेंदे होंगे? नहीं, इदा की गल नहीं है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी प्यार है, व्हाट्सएप पर मेरी उन्होंने गलबात भी होंगी रहती है, अगर किसी बच्चे काम की प्रॉब्लम आ रही है जां मैं गल करा कि किसी नूं एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ रही है जां किसी नूं उत्थे क्लासिस नूं लैके प्रॉब्लम आ रही है, तो इदा की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नूं आंदी है, तो जिदे विच असीं उन्हां दी फुलफिल पूरी इनफॉर्मे आपां उन्हां दी हैल्प करी दी है। मैं इस सवाल पुछदा हूं ना हर एक इमीग्रेशन वाले नूं जिन्हां दे नाल भी मैं मिलदा कि तुहाडी दोस्ती या तुहाडा जिहड़ा नाता एक क्लाइंट दे नाल एक बच्चे नाल कदों तक हुंदा, जदों तक वीज़ा आ गया या जो तक जहाज चढ़ गया या जो तक उन्होंने काम नहीं मिले या जो तक उन्होंने PR नहीं मिली या हमेशा ही वो तुहाडे टच दे विच रहिंदा? देखो इहदे नाल काफ़ी चीज़ा इनवॉल्व ने बेसिकली, मान लो कि मैं जिहड़े स्टूडेंट्स मेरे थ्रू गए है हुण 70-80% जिहड़े बच्चे हुंदे आ वो तुहाडे टच आ जाते हैं, क्योंकि आप हर बच्चे नहीं अपने टच लैके आ सकते क्योंकि कई दे रिश्ता रह रहे किसी का भरा रह रहा वो उधर बिजी हो जाता। हाँ, जिहड़े बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है जिहड़े तुहाडे नाल बच्चे टच हैगे है जिदा मान लो किसी PR च प्रॉब्लम आ रही है जां वर्क परमिट लैन च प्रॉब्लम आ रही है उत्थे जां किसी नूं एकोमोडेशन च प्रॉब्लम आ रही है तो बेतड़क मैनूं फोन करदे ने, जो भी मेरे तो उन्होंने हैल्प होंगी है किसी भी तरह की एनी काइंड ऑफ वो मैं पूरी फुलफिल करता हूँ। अच्छा, इस तों इलावा मैनूं ये दसो कि जे मान लो किसी की कोई रिफ्यूजल आ गई कोई पुराने बच्चे ने गए उन्होंने रिफ्यूजल आई हुई है कि तुम उन्होंने वीज़े लगवा सकते हो या फिर
देखो ये तुसी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन मेरे तो पुट किया है, क्योंकि अगर मैं लुधियाने की एक लड़की सी तो चार बार रिफ्यूजल सी ते उन्होंने अलग अलग कंपनी तो कितों लगवाया सी ते जो मेरे को विजिट करे जिदा तुसीं थोड़ी देर पहले मेरे तुसीं क्वेश्चन पुट किया कि तुसीं उही फाइल नूं हाथ पाने हो जिदा वीज़ा निकलना है ते जो चार बार रिफ्यूजल वाला बच्चा मेरे को आया तो उद मैं दो क्वेश्चन पुट किए थे कि प्रोग्राम है तेरा ते किस प्रोग्राम च उन्हें जाना सी मैनूं पिछले ऑफर लैटर दिखा दे ते उहदे विच बहुत सारी मतलब एक्सपीरियंस काम कर रहा है बिकॉज जो एक्चुअल एक्सपीरियंस तुहाडा काम करता जो बहुत सारे बच्चे भेज चुके होंगे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं ते अज वो लड़की कैनेडा है उहदा वीजा आ गया होया है ठीक है ते जो इदा दी अचीवमेंट होंगी है कि किसी बच्चे का पांच छह बार रिफ्यूजल सी तुसी उहदा वीजा लगवा के दिता ते उस तो बाद जिहड़ा तुहानूं एक अंदरों फील आंदा वो गुड आंदा है। देखो मैं तुहानूं एक चीज़ कहवांगा कि मैनू वीजा लगवा के ही फायदा है, बिल्कुल किसी का रिफ्यूजल लगवा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर अज मैं किसी का वीजा लगवाऊंगा वो तो मैं याद रखेगा तो मेरी कंपनी याद रखेगा। तो ये जी गल रिफ्यूजल की तुम गल कर रहे थे कि अज तो चार महीने पहले जेडे बच्चे कैनेडा जाना चाहते सी जिन्हों के दो या तीन मड्यूल साढ़े पांच बैंड से जिन्ह का चाहे कैनेडा दो बार तीन बार रिफ्यूजल लग्या हो बहुत सुनहरी मौका है, तुम मेरे को आओ मैं एक दिन च ऑफर लैटर देवगा तुम्हें ते तुसी मैनूं सिर्फ दो दिन के अंदर अंदर जी आई सी तुसी अपनी फीस भरो उत्थे यूनिवर्सिटी तुहाडी मर्जी दी होगी या बच्चा भी चूज कर सकदा। देखो डिपेंड करता है जिहड़ा यूनिवर्सिटी हैगी है हुण जिहड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज मेरे एंड ते है मैं उहनां दा तुहानूं एक दिन च वीजा ऑफर लैटर दवा सकदा हुण कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज का जिहड़ा सिनेरियो चेंज है वह दस दिन भी लग सकते पंद्रह दिन भी लग सकते हैं, बट अगर तुहाडा चार पांच वारी रिफ्यूज होया सीगा उस टाइम ते जिहड़ा कह सकदे हां कि अजिहे कि सानूं वी हत्थ बन्ने एमरजेंसी केस। मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदा कि वह जिहड़े बच्चे सीगे वह मेरे कोल आन 3 नवंबर तो पहले पहले जिदा कि तुहानूं पता कि इस टाइम कोई भी बंदा तुहानूं जनवरी इनटेक नहीं दे रहा, हुण तां मई इनटेक चल रहा है, बट मैं तुहानूं जनवरी इनटेक देवांगा। जनवरी इनटेक मतलब जनवरी दे विच बच्चे दा वीजा लग के उत्थे क्लासेस लगाउण योग्गा हो जाओ। सर नहीं बहुत दूर चले गए, मैं तुहानूं इह कहना चाह रहा कि 3 नवंबर तो पहले पहले मेरे कोल अगर तुसीं इनरोल हुंदे हो मैं विदन वन डे ऑफर लैटर देवांगा और 4 to 5 डेज दे विच विच तुहाडी जिहड़ी फाइल है एम्बेसी सबमिट होएगी और 10 to 15 दिन वीजा देवांगा, मतलब कि दिसंबर के जिहड़ा वीजा तुहाडे हाथ च होवेगा जनवरी जनवरी टेक ली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा इस तो अलावा मैंने दसो मैं थोड़े ते भी सर तुसी जिहड़ी गल कीती ना गिद्दड़ सिंह की वो समझो गिद्दड़ सिंह की हाथ लगी होगी। अच्छा चलो मैंने दसो कि जी मैं पूछना चाहवां कि तुहानू सब तो कोई याद होवे कोई किस्सा कि तुसी किसी का वीजा लगवाया होवे ते उन्हां तो उन्हां दी चाह है जिहड़ा खुशी सांभी ना गई होवे ते उन्हां दी अखां दे हंझू होण या उन्हां दी जिहड़ी फीलिंग्स ने कोई डब्बा लैके आया होवे मिठाई दा या किसी दा रात नूं फोन आ गया होवे किसी ने कोई अजिहा वाकया शेयर कीता होवे कि तुहानू लग्गिया कि जो मैं कर रहे हो सही कर रहे हैं। देखो इदा दे बहुत सारे केसिस हैगे है कि जेडे साडे नाल मिलदे भी है ते हर केस तो नहीं शेयर किया जा सकता, पर एक छोटी जी कहानी तुहानू शेयर करांगा कि एक लेडी सी जिहदा डिवोर्स होया सीगा ते उहदी एक बिटिया सीगी ते उह मेरे कोल आई ते उहने मेरे कोल आके कीता कि सर मैं कैनेडा स्टडी लई जाना है ते मेरा घट्टो घट नहीं तां 8 to 9 साल दा गैप है सिर्फ कॉलेज फीस कहती फीस मैं मेरी कोई फीस नहीं है कहती कॉलेज फीस मैं मैं कॉलेज की फीस भी इदा करो तुम आफ्टर वीजा दे दियो ते कहंदी सर मेरा वीजा लग जाएगा मैं क्या जे मैं कह रहा ताही लग जाएगा कहंदी सर कोई गैप ये वो मैं क्या मैनू सच्चाई चाहिए है कि 8 साल दे विच की किता अगर मान लो तुहाडी मैरिज हुई सी मैरिज तो बाद तुहाडा कोई प्रैगनेंसी पीरियड सी जिहदे विच तुसी 2-3 साल अपने आप नू सरवाइव किया अगर उस तो बाद तुसी कोई जॉब की है ठीक है नहीं की घरों कुछ काम कर रहे सी उह स्ट्रेट फॉरवर्ड असीं सच्चाई लिखांगे ते जो उहदा वीजा आया ते उह खुशी मैं जां उहदी फैमिली वो नहीं देख सकते बहुत वधिया चीज़ सी मूवमेंट सीगा ते इदां दे बहुत सारे साडे कोल सिनेरियो आंदे जिहदे विच असीं लोकां नूं हैल्प करते हैं जां उहनां नूं दसदे हां बेसिकली। अच्छा एक इस इंडस्ट्री च भी कई बार गल्लां सुणन नूं मिलदियां ने कि जिहड़े कागज़ पत्र जाली तैयार किए जाते हैं कि इहदे विच किन्नी कु सच्चाई है। देखो सर बेसिकली अज तक अगर असीं एडा वड्डा वेंचर चला रहे हैं जां एडा वड्डा अगर हर सिटी दे विच साडे अगर ऑफिस हैगे आ अगर असीं इदां दा काम कर रहे हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट दी विच
कवर करने या गैप करने असं उन्हें नहीं कहते कि तू गैप कवर कर एक काम कर जो तू उस टाइम पीरियड में किया सच दस दे असं उसी तरीके तेरी फाइल में मॉडिफाई देखो अज की जो अंग्रेज है ना जो वीजा ऑफिसर है ना उन्होंने सब पता है कि इंडिया की कर रहे हैं की चला रहे हैं की कर रहे सब कुछ है अगर तुम उन्होंने सच्चाई दसोंगे ना तो थोड़ा वीजा ग्रांटड है कि वह आएगा अच्छा इस तो इलावा जो मैं सक्सैस रेट की गल करा वैसे तो दिल से हाथ रख के दस्यो ये गल कि जे आप ऑन एवरेज गल करिए कि 100 वीजा की जी फाइल है वो तुम सबमिट की है तो 100 चो एवरेज चाहे जो 1000 ने 1000 के एवरेज 100% चो किन्ने रिफ्यूजल आई है तो किन्ने वीजे आए हैं देखो सच दस बिल्कुल सच दसंगा तुम्हें मैं कैनेडा दे विच अगर मैं अज दी गल करा जेड़ा पिछले 2 to 3 महीने जेड़ा सिनेरियो है जद दे रूल चेंज होया है कैनेडा दा कोई वीजा रिफ्यूज नहीं है तोड़े वालों कोई बिल्कुल कोई रिफ्यूज नहीं है हाँ किसी बच्चे ने फाइल बैकआउट कर ली हो जा चला गया वो नहीं है बट जेड़ी फाइल एम्बेसी चली गई है ओदा वीजा आया है क्योंकि पिछले 2 महीनों तो जो सनैरियो सीगा ना ये बड़े लोग बड़े डर रहे थे जिदा तुम्हें पता कि न्यूज चल रहा है जिदा ट्रूडो जा मैं मोदी जी की गल करा बिल्कुल वापस इन चीज़ें चल दया सारा कुछ ठीक है वो कुछ नहीं सी बच्चे दे स्टूडेंट वीजा ते कोई इफेक्ट नहीं सीगा ओदे विच अगर मैं गल करा होर सक्सैस रेशो ज्यादा सी अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਤਾਂ 200% ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਿਕਨੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟਿਕਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕਨੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਅਗਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਹੈ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 55 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 50% ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਰ ਰਿਹਾ
पर जिहड़ी तुहाडे तों मैं लऊंगा वह वीज़ा लगन तो बाद लवांगा। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लग्या तुहाडे नाल गल करके। उम्मीद है कि जिहड़े तुहाडे दर्शकां दे सारे सवाल ने वह असीं पुछ चुके होवांगे, तो जे फिर भी तुहाडा कोई जवाब है मैं तुहाडे तों एक होर गुजारिश करूँगा कि इस इंटरव्यू के नीचे जिहड़े कमेंट होणगे उहनां दे जवाब जरूर दे दिओ। जे कोई क्वायरी आऊगी तो उहनां दे जवाब या जरूर दे दिओ। तां तुसीं अपने सवाल भेज सकते हो नीचे दिए कमेंट बॉक्स के, जिन्हां दे जवाब तुहानूं आप हरिंदर कुमार देणगे, तुहाडे सवालों के जवाब देणगे। तो नाल दी नाल असीं जांदे हो तुहानूं यही गुजारिश करांगे कि जे तुसीं बाहर जाना चाहते हो तो जरूर अपनी तैयारी करके जाया करो, कितने भी इमीग्रेसन को जाने हो ता जो ठगी तो बच सको, अपनी तैयारी करके अपना पुछ पड़ताल करके जाया करो। तो जे तुहानूं साडियां गल्लां या इन्हां दियां गल्लां जिहड़ियां चंगियां लगियां होण तां इन्हां दे विड़े आके भी तुसीं देख सकते हो कि वाकई दे विच जिहड़ियां गल्लां कर रहे ने कि उन्हां दे विच दम हैगा।